हे गाइस, वेलकम बैक टू आपका अपना चैनल शेपर्स एडुकेशन। और मैं आपका दोस्त, आपका मेंटोर सीए मोहित तापड़िया। और आपको पता है कि हम रोज आते हैं आपके लिए कुछ मजेदार वीडियोस ले लेके। तो अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि किसी भी तरह से मेरी इतनी सारी मेहनत आपकी पढ़ाई को थोड़ा सा सिंपल करने में, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करने में आपको हेल्प कर रही है, तो उसे जरूर से कॉमेंट बॉक्स के अंदर हमें बताइए। मैंने कहा था, एक यूट्यूबर के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है आपकी प्रेजेस, आपके कॉम्प्लीमेंट्स, आपके कमेंट्स। सो प्लीज हमारे पे बरसाते रहिए, राइट? चलिए, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो हमने चैप्टर स्टार्ट करके रखा था, उसका एक थर्ड पार्ट हम लोग बनाने वाले हैं। आज हम लोग फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म के कुछ और इलस्ट्रेशन, कुछ और एग्जाम्पल्स हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है? इसके ऑलरेडी दो वीडियोज आ चुके हैं, जहां पे सबसे पहले वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि फाइनल अकाउंट्स क्या होता है, और एक एग्जाम्पल सॉल्व करवाया था। उसके बाद के वीडियो में मैंने आपको दो भारी भड़कम सम सॉल्व करवाए थे। आज मैं दो सम्स और करवाने वाला हूँ, विद द सेम मोटिव, विद द सेम पर्पस, कि मैं किसी भी तरह से आपके लिए आपका ये चैप्टर बहुत सिंपल, बहुत इजी, बहुत इंटरेस्टिंग बना सकूँ, राइट बच्चा? सो चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग आज गुजरात बोर्ड की टेक्स्ट बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 4। तो जिस जिसके पास टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक लेके बैठिएगा, क्योंकि मेरी स्क्रीन पे शायद आपको क्वेश्चन बहुत छोटा दिखेगा। ये खाली मैंने रेफरेंस के लिए डाल रखा है, बट अगर बाई चांस आपको, आपके पास टेक्स्ट बुक हो तो आप आराम से उसको यूटिलाइज कीजिए, दैट वुड बी मोर बेटर, राइट? सोल्यूशन आपको मैं यहाँ पे पूरे अच्छे से दिखाऊंगा। मैं हमेशा से कहता हूँ कि अकाउंट्स अगर पढ़ना हो तो प्लीज कोशिश कीजिए आप अपने फोन को अपनी टीवी में स्क्रीन शेयर कर सके, टीवी की बड़ी स्क्रीन में देखिए, ज्यादा मजा आएगा, ज्यादा अच्छे से दिखेगा, क्लैरिटी थोड़ी ज्यादा मेंटेन रहेगी, राइट बच्चा? तो चलिए आज के लिए हम स्टार्ट करेंगे हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 5, सॉरी इलस्ट्रेशन नंबर 4 एंड 5 दोनों करने वाले आज। आता हूं मैं अपने काम पे, इलस्ट्रेशन नंबर 4 एंड 5 पे, स्टार्टिंग विद द वेरी वेरी फर्स्ट वन। पहले पहले इनिशियल के कुछ इलस्ट्रेशंस बहुत इजी होंगे, बहुत बेसिक होंगे, आपको उनमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो बहुत सिंपल रहने वाले, सो बिल्कुल लोड मत लीजिएगा, ठीक है? सो चलिए, पहला हमारा सबसे बेसिक, सबसे फेवरेट जो रहता है, हमेशा से पहला एडजस्टमेंट ये लोग क्लोजिंग स्टॉक का देते हैं, आई डोंट नो व्हाई। चलिए पढ़ेंगे, सबसे पहला वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक वॉज 28,600, बट द मार्केट वैल्यू ऑफ 20% गुड्स इज 10% मोर, एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ 20% गुड्स इज 10% मोर देन द बुक वैल्यू, राइट? अब देखिए भैया, जब कभी भी स्टॉक की वैल्यू ज्यादा हो तो हमें मतलब ही नहीं है उससे, क्योंकि हमें हमेशा से पता है कि क्लोजिंग स्टॉक को हम किस प्राइस पर रिकॉर्ड करेंगे, कॉस्ट या मार्केट प्राइस, विच एवर इज लेस। सो हमें कहा गया है हमारे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 28,600 है, बट मार्केट प्राइस 20% गुड्स का 10% ज्यादा है, तो ज्यादा वाले से हमें मतलब नहीं है। इन शॉर्ट हमारे लिए क्लोजिंग स्टॉक 28,600 ही रहेगा। सो ये एक तरीके से फुद्दू एडजस्टमेंट था, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको खाली ट्रेडिंग अकाउंट में लिख देने का है क्लोजिंग स्टॉक दैट इज 28,600, और सेम वे आप बैलेंस शीट में लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक 28,600। तो हमारा पहला एडजस्टमेंट एकदम यूजलेस था। मैं थोड़ा सा यहाँ होता रहूंगा, आपको बीच में दिखता रहेगा, मैं थोड़ा स्क्रीन के सामने आता हूँ इसलिए, बट मैं कोशिश करूंगा बाकी अब ऊपर ऊपर लिखूंगा, ठीक है? तो चलिए, हमने सबसे पहला लिखा क्लोजिंग स्टॉक 28,600, 28,600, क्योंकि बाकी स्टॉक की वैल्यू ज्यादा है, ज्यादा वाले से हमें कभी भी मतलब नहीं होता है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, हमारा सेकेंड एडजस्टमेंट रहेगा 5% इंटरेस्ट इज पेबल ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स एंड एनुअल बोनस ऑफ 2,000 पेबल टू ईच पार्टनर। हो, अच्छी बात है भैया, इसमें दो क्वेश्चन है, पहला एक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, दूसरा है बोनस का। चलिए सबसे पहले हम कैपिटल के ओपनिंग बैलेंसेस लिखेंगे भैया, कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस है 30,000 और 36,000, तो चलिए हम पार्टनर्स के कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे, बट हमें क्वेश्चन में करंट अकाउंट भी कहा गया, यार ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, क्वेश्चन में करंट अकाउंट भी दिया है, तो सर हम यहाँ पे कैपिटल अकाउंट ना बना के हम बनाएंगे करंट अकाउंट, प्लीज आप भी ध्यान दीजिएगा, कैपिटल अकाउंट की जरूरत ही नहीं, क्योंकि कैपिटल अकाउंट का बैलेंस सेम ही रहने वाला है, तो चलिए करंट अकाउंट बना देते हैं। करंट अकाउंट का हमें बैलेंस दे रखा गंगा का 3,000, जमुना का 2,400। सो आई एम मेकिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ चेंजेस, मैं इस कैपिटल अकाउंट की जगह बना रहा हूँ करंट अकाउंट, राइट? मैं इस कैपिटल अकाउंट की जगह बनाऊंगा करंट अकाउंट। अब गंगा का कितना है बैलेंस, गंगा का बैलेंस है 3,000, जमुना का कितना बैलेंस है, जमुना का बैलेंस है 2,400, तो मैंने लिख दिया है, ये हो गया मेरा बैलेंस बॉट डाउन। आपको टू और बाय भी लिखना है, मैं नहीं लिखूंगा, आपको लिखना है, आपके लिए एग्जाम इंपॉर्टेंट रहेंगे, राइट? चलिए अब हमें सबसे पहले देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमारा कैपिटल था 30,000 और 36,000, 30,000 एंड 36,000, उस पर हमें इंटरेस्ट देना है कितना भैया 5%। सो चलिए दे देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 30,000 का 5% हो गया 1,500, और 36,000 का 5% हो जाता है 1,800, और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए एक्सपेंस होगा, तो ये हमारे लिए आने वाले हैं पी एन एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी।
चलिए लिख देते हैं पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आप लोग एग्जाम में पूरा लिखेंगे। गंगा का है 3,000, और सॉरी गंगा का है 1,500 और जमुना का है 1,800, दोनों मिलके नेट बाहर आ गया 3,300। इसके साथ सेकेंड एडजस्टमेंट का एक पार्ट हो गया है, दूसरा पार्ट अभी भी बाकी है क्योंकि हमें दोनों पार्टनर्स को बोनस देना है। चलिए बोनस के लिए क्या कहा गया है, बोनस के लिए कहा गया 2,000 पेबल टू ईच पार्टनर। जब ये 2,000 मंथली है, एनुअली ये कुछ नहीं बोला है, तो भैया 2,000 मान लो, आपको 2,000 देना है दोनों पार्टनर्स को, चलिए दे देते हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे हम बोनस दे रहे हैं 2,000 दे रहे हैं हम गंगा को और 2,000 दे रहे हैं हम जमुना को, और ये बोनस हमारे लिए एक्सपेंस भी होगा। सो हम यहाँ पे भी लिख देंगे भैया हमने बोनस दिया गंगा को दिया 2,000 और जमुना को दिया 2,000, टोटल मिला के हमारा बोनस का एक्सपेंस हो गया है 4,000। ठीक है बच्चा, आपने पीएनएल अप्रो में भी लिख दिया और आपने करंट अकाउंट में भी लिख दिया। कैपिटल अकाउंट हमने नहीं बनाया है क्योंकि हमें पता है जब कभी भी करंट अकाउंट हो, सारे एडजस्टमेंट्स करंट अकाउंट में आते हैं, कैपिटल अकाउंट में सिर्फ दो एडजस्टमेंट्स आते हैं, आइदर एडिशन ऑफ कैपिटल और विड्रॉवल ऑफ कैपिटल, बस दो ही आते हैं। अगर वो दो होगा तो हम बैलेंस शीट में कहीं लिख देंगे, उसके लिए पूरा अकाउंट बनाने की मेहनत हम नहीं करेंगे। बाय चांस अगर आप एग्जाम में बना भी लोगे तो भी सर आप बिल्कुल करेक्ट हो, आपका एक भी मार्क नहीं कटेगा। हाँ थोड़ा सा टाइम आपका ज्यादा बिगड़ेगा, तो मैं चाहूंगा अकाउंट्स के पेपर में टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अकाउंट्स के पेपर में भैया हमें आता सब कुछ है, प्रॉब्लम क्या होती है उस डिफाइंड टाइम में वो करना हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है। जितना हमारे पास समय है उस समय के अंदर रह के, उस समय की मर्यादा में रह के पेपर को कंप्लीट करना, दैट इज द चैलेंज राइट। सो प्लीज फालतू टाइम वेस्ट ना करके करंट अकाउंट बना के मैटर क्लियर करिए, कैपिटल अकाउंट बनाने की मेहनत ना करें। चलिए सो ये था मेरा एडजस्टमेंट नंबर सेकंड, जहां पे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया और हमने बोनस दिया। मैं ऐसा प्रिज्यूम करता हूं कि यहां तक आपको बड़ी मजा आ रही होगी, चैप्टर बहुत इजी लग रहा होगा। अगर मजा आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब हमारा थर्ड एडजस्टमेंट है बैड डेट रिजर्व इज टू बी मेंटेन एट ₹3,000, प्रोवाइड 5% डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स। चलिए ठीक है, मैं हमेशा से आपको बोलता ही रहता हूँ, मैंने पहले भी वीडियो में कहा है कि मैं बैड डेट वाले एडजस्टमेंट सबसे लास्ट में करना चाहता हूँ, जिससे मुझे पता चले कि आगे कुछ डेटर्स के एडजस्टमेंट ना हो जिसके कारण हमारे बैड डेट की गिनती बदल जाए। ठीक है, सो हम आप चाहो तो नीचे के एडजस्टमेंट्स पहले पढ़ लो फिर बैड डेट वाला कर लो तो भी चलेगा, बट पढ़ने में टाइम वेस्ट होता है इसलिए नॉर्मली मैं रिकमेंड करता हूँ, बट इस केस में मैं अभी आपको पढ़ के दे देता हूँ। तो चलो पहले देख लेते हैं हमारी बुक में डेटर्स कितने हैं। भैया हमारे बुक में डेटर्स है 67,000 और नीचे मुझे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दिख रहा है, बैड डेट का भी नहीं दिख रहा है, नीचे मुझे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दिख रहा है कि जहां पे हमने सेल्स रिकॉर्ड नहीं किया, डेटर्स अनरिकॉर्डेड कुछ नहीं है। तो चलो इसको कर दो आप सॉल्व, कोई इशू नहीं है। तो चलिए हम लोगों ने देखा हमारे पास डेटर्स कितने हैं भैया, हमारे पास डेटर्स 67,000 है। चलिए सो मैं आपके लिए यहां लिखूंगा बैलेंस शीट में, यहां मैं लिख रहा हूं हमारे पास डेटर्स है, आपको दिख रहा है? हाँ दिखेगा। चलिए हमारे पास डेटर्स है 67,000, उसमें से हम सबसे पहले बनाने जा रहे हैं बैड डेट रिजर्व। हमें क्वेश्चन में कहा गया बैड डेट रिजर्व बनाइए 3% और डिस्काउंट रिजर्व बनाइए 5%, सॉरी बैड डेट रिजर्व बनाइए 3,000 और डिस्काउंट रिजर्व बनाइए 5%। चलिए सो यहाँ पे मैंने 3,000 बैड डेट रिजर्व बना दिया, सो मेरे पास बचेगा 64,000 और उसके अंदर मुझे बनाना है डिस्काउंट रिजर्व जो कि होगा 5% विच गोज टू 3,200, 3,200 का मैंने बना दिया, नेट मेरी अमाउंट बाहर आ जाएगी 60,800, ये मेरी अमाउंट नेट बाहर आ गई है। और मैंने आपको ये भी कहा था जब भी बैड डेट का पॉइंट आए आपको हमेशा पीएनएल में लिखना होता है ओ नो, क्या लिखेंगे हम? ओ नो, चलिए लिख देते हैं। तो चलिए पीएनएल अकाउंट पे मैं आ गया यहाँ पे और मैं लिखूंगा बैड डेट ओल्ड प्लस बैड डेट न्यू प्लस बैड डेट रिजर्व न्यू एंड माइनस बैड डेट रिजर्व ओल्ड। चलिए न्यू वाला हमें दे रखा है, न्यू वाला बैड डेट रिजर्व हमने बनाया है 3,000, तो भैया न्यू वाला रिजर्व हमारे पास आ गया 3,000। न्यू वाला बैड डेट हमारे पास है ही नहीं डैश, पुराना बैड डेट हमें दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में 1,400 का और पुराना बैड डेट रिजर्व हमें दे रखा है कुछ, पुराना बैड डेट रिजर्व, ओ हो, पुराना बैड डेट रिजर्व यहाँ पे 6,000 है। सर यहाँ पे एक अच्छा पॉइंट आने वाला, प्लीज ध्यान दीजिएगा, पुराना बैड डेट रिजर्व है यहाँ पे हमारे पास 6,000। अब बच्चा ध्यान देना, हमें बैड डेट और बैड डेट रिजर्व को प्लस करना है, दैट इज 1,400 प्लस 3,000 टोटल होगा 4,400, उसमें से पुराना रिजर्व माइनस करेंगे 6,000, तो सर हमारा आंसर आएगा माइनस में,
दैट इज आर आंसर इज -1600। कितना आ गया भैया? -1600। ये माइनस की वैल्यू को आपको बाहर मेन कॉलम में लिखना अलाउड नहीं है। तो आप क्या करोगे, जब भी आपका बाई चांस आंसर माइनस में आएगा, आप उसको दूसरी साइड पे ट्रांसफर कर दोगे। डेबिट में माइनस में आएगा, क्रेडिट में कर दो। कभी क्रेडिट में माइनस में आएगा तो डेबिट में कर दो, राइट? तो चलिए, हमारा डेबिट में माइनस आएगा तो हम यहाँ पे लिख देंगे ट्रांसफर्ड टू क्रेडिट साइड, राइट? कितना है? 1600। और 1600 को मैं यहाँ लिख दूंगा क्रेडिट साइड में, 1600 मेरा यहाँ पे आ गया और ये हो गया बैड डेट रिजर्व। ठीक है बच्चा? सो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगर कभी भी आपका आंसर माइनस में आएगा तो यू हैव टू चेंज द साइड, आपको साइड को चेंज करना ही पड़ेगा। चलिए, सो ये था एडजस्टमेंट नंबर फोर्थ, कमिंग टू सॉरी एडजस्टमेंट नंबर थर्ड। इसके अंदर अभी डिस्काउंट का बाकी है। डिस्काउंट देखिए भैया, हमारी बुक में हमें डिस्काउंट दिया हुआ है, डिस्काउंट अलाउड डेबिट साइड में नहीं दिया है। सो जब डिस्काउंट अलाउड नहीं दिया है, खाली डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स जो भी आपका बना है उसको आप एक्सपेंस में लिख दो। तो आप लिख दोगे डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स कितना है भैया? 3200 रुपये। ये हमारा पूरा का पूरा एक्सपेंस हो गया। अगर बाय चांस डिस्काउंट अलाउड होता तो हमने लास्ट सम में किया था, डिस्काउंट अलाउड में डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स नया वाला प्लस होता है, पुराना वाला माइनस होता है। ठीक है बच्चा? चलिए, ये एडजस्टमेंट नंबर थ्री हमारा कंप्लीट हुआ। कमिंग टू एडजस्टमेंट नंबर फोर, बच्चों वाला एडजस्टमेंट आ गया भैया। डेप्री चार्ज करना है, कुछ नहीं, हंसते खेलते आप लोग कर लोगे। सो डेप्री चार्ज कैसे करेंगे? प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड मशीन। चलिए भैया ढूंढ लेते हैं कितनी है हमारे बिल्डिंग और कितनी है मशीन। सो सबसे ऊपर लिखूंगा मैं, हमारे पास बिल्डिंग है 24,000, उस पर डेप्री लगाना है मुझे 10%, जो कि हो जाता है 2400। नेट अमाउंट हमारी बाहर आ गई 21,600। वैसे ही हमारे पास मशीन, मशीन कितनी है भैया? हमारे पास मशीनरी है 30,000 और उस पर भी हमें डेप्री लगाना है 3,000। नेट अमाउंट बाहर आ गया 27,000। ठीक है बच्चा लोग, सबको दिख रहा है अच्छे से? यस भैया, दिख रहा है, दिख रहा है, सही दिख रहा है, कोई टेंशन नहीं है। तो इस तरीके से हमारा एडजस्टमेंट नंबर फोर्थ, जो कि बहुत ही ललू एडजस्टमेंट, हम खत्म कर चुके हैं। हमने खाली डेप्रिसिएशन गिना है उस पर बिल्डिंग और मशीन पे। आगे, परचेज ऑफ 4,000 इज नॉट रिकॉर्डेड बट इंक्लूडेड इन द क्लोजिंग स्टॉक। 4,000 के परचेजेस को हमने रिकॉर्ड नहीं किया, सो अब रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो 4,000 के परचेजेस की दो इफेक्ट आएगी, एक आएगा परचेज में, एक आएगा क्रेडिटर्स में। तो चलिए करते हैं, हमारे पास परचेजेस कितनी है देखिए भैया। परचेजेस है 1,04,000, उसमें पहले अनरिकॉर्डेड परचेजेस को प्लस कर देते हैं। सो हमारे पास आएगा यहाँ पे परचेजेस है हमारे पास 1,04,000, उसमें हम प्लस करने वाले हैं अनरिकॉर्डेड वाली जो है 4,000, और हमारी टोटल परचेज हो गई 1,08,000। मैं इसको अंदर लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है और मुझे पता है कि यहाँ पे परचेज रिटर्न का पॉइंट आने वाला है, मैं पहले ही देख चुका हूँ। इसलिए अगर आपको एग्जाम में नहीं पता हो तो एक बार टोटल करने के लिए रुक जाने का, वेट करने का आगे का। और इसका दूसरा इफेक्ट आएगा भैया बैलेंस शीट में, क्रेडिटर्स में। चलिए चेक करते हैं हमारे पास क्रेडिटर्स कितने हैं भैया। हमारे पास क्रेडिटर्स है 36,000। ओके फाइन, सो हम यहाँ पे लिखेंगे हमारे पास क्रेडिटर्स है 36,000 और उसमें हम प्लस कर देंगे अनरिकॉर्डेड जो है 4,000। तो टोटल हमारे पास क्रेडिटर्स हो जाएंगे 40,000। हमारे क्रेडिटर्स खत्म हो गए यहाँ पे 40,000। और इसके साथ साथ भैया मेरा एडजस्टमेंट नंबर फाइव पूरा हुआ, राइट? एडजस्टमेंट नंबर फाइव मेरा खत्म हुआ। ये क्वेश्चन शायद आपके लिए इतना अच्छे से विजिबल नहीं हो, बट मुझे दिखता है बिकॉज मेरे एकदम आंखों के सामने है। अगर बाई चांस आपको नहीं देखे तो आपको पता है ये आपका टेक्स्ट बुक का इलस्ट्रेशन नंबर फोर है, आराम से खुल के देखे, राइट? चलिए नाउ आगे बढ़ेंगे। एडजस्टमेंट नंबर सिक्स पे, रिसीवेबल कमीशन ऑफ ₹2,000, हमें कमीशन मिलने वाला है 2,000 एंड आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंसेस 200। वापस इसमें दो ट्रांजेक्शन आ गए, एक तो भैया कमीशन मिलने वाला है, मिलने वाला है तो हमारी इनकम है, इनकम है तो हम लिखने वाले हैं एसेट में, सॉरी इनकम में, पीएनएल अकाउंट के अंदर कितना कमीशन मिलने वाला है भैया? 2,000। चलिए चेक करते हैं क्या हमारे ट्रायल बैलेंस में दूसरा कोई कमीशन दिया है। नहीं सर, नहीं दिया है, नहीं दिया। तो चलिए भैया बढ़िया है, हम यहाँ पे सिर्फ लिख देंगे हमें मिलने वाला है कमीशन। सो हम यहाँ पे लिखेंगे हमें मिल रहा है आउटस्टैंडिंग कमीशन। कितना मिलने वाला है कमीशन हमें? 2,000। और मिलने वाला है मतलब हमारा एसेट है, सो बैलेंस शीट में आ जाएगा एसेट्स में। सो बैलेंस शीट में ये आ जाएगा यहाँ पे आउटस्टैंडिंग कमीशन, हमारे लिए एसेट है। कितना है भैया? 2,000 का हमें कमीशन मिलने वाला है। ठीक है भैया, वैसे ही हमें दूसरा क्या दे रखा है एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग कमीशन के साथ में दिया हुआ था हमें आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंसेस। एक्सपेंस चुकाना बाकी, चुकाना बाकी तो भैया खर्चा है, खर्चा है तो उसको प्लस कर देते हैं। चलिए भैया ऑफिस एक्सपेंस है
हाँ भैया दिया हुआ है 9,000 लिख देते हैं। सो हमें दे रखा है कि हमारा ऑफिस एक्सपेंस है 9,000 का, उसमें आउटस्टैंडिंग है 200 रुपये, तो नेट बाहर आ जाएगा 9,200, और देना बाकी मतलब वो हमारी लायबिलिटी है। सो हम बैलेंस शीट में लिख देंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने हैं भैया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 200 रुपये। क्या बोलती है पब्लिक, यहाँ तक सब बढ़िया है, सब चंगा है, कोई टेंशन है किसी को? तो कमेंट सेक्शन आपके लिए बहुत बड़ा वरदान है, लिखते जाइए। मेरा हमेशा ऐसे, मैं आपको बोलता था कि मैं लाइव सेशन लेना चाहता हूँ, एकदम लाइव यहाँ पे पढ़ाना चाहता हूँ, बस थोड़ा सा अपना ये परिवार बड़ा हो जाए और बच्चे आ जाएगी लाइव लूँ, तो 50-100 जने हो यहाँ मेरे पास अवेलेबल, तो जरूर से मैं आपके लिए लाइव लूंगा। इसलिए मैं बहुत जल्द ट्राई कर रहा हूँ, हो सकता है इस संडे, हो सकता है अगले संडे, आई विल गो विद अ लाइव लेक्चर जहाँ पे मैं सारे 12 CBSE वाले बच्चों को इन्वाइट करूंगा कि चलो बच्चा आ जाओ, आज लाइव डिस्कशन करते हैं, लाइव डिबेट करते हैं, आपके क्वेश्चंस का लाइव जवाब दूंगा मैं, राइट? तो चलिए इसके साथ मेरा एडजस्टमेंट नंबर मेरा 6th पूरा हो गया है, दैट इज रिसीवेबल्स कमीशन 2,000 और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 200। मैं आऊंगा एडजस्टमेंट नंबर 7 पे, द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज डिटरमाइंड एट 12,000 एंड एडजस्टमेंट ऑफ द डिफरेंस इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। चलिए हमें क्वेश्चन में कहा गया थोड़ा सा अच्छा है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 12,000 रुपए, तो सबसे पहले आपको बैलेंस शीट में चेक करना पड़ेगा आपका इन्वेस्टमेंट कितना है। सो भैया बैलेंस शीट में मुझे दिख रहा है कि मेरा इन्वेस्टमेंट है 14,000 और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो गई है 12,000, मतलब इन्वेस्टमेंट में 2,000 का नुकसान हो गया है, और हमें क्वेश्चन में कहा गया है ये नुकसान आपको पीएनएल में नहीं लिखना है, ये नुकसान को आपको जनरल रिजर्व में एडजस्ट करना है। सो आप किस तरह से ट्रीटमेंट देंगे यहाँ ध्यान देंगे थोड़ा सा। सो हम ट्रीटमेंट कुछ इस तरीके से देने वाले हैं कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट है, कितना इन्वेस्टमेंट 14,000 का, जिसको हमें राइट ऑफ करना है, कितने से राइट ऑफ करना है 2,000 से, मतलब हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया 12,000 का, और ये इन्वेस्टमेंट जाएगा जनरल रिजर्व के सामने। चलिए भैया जनरल रिजर्व मेरे पास कितना है, मेरे पास जनरल रिजर्व है 9,600, चलिए, और उसमें से 2,000 इन्वेस्टमेंट का लॉस हो गया, सो इन्वेस्टमेंट रिटर्न ऑफ हो गया यहाँ पे 2,000 रुपये, सो मेरा जनरल रिजर्व बचेगा 7,600 रुपये। ये हो गया मेरा जनरल रिजर्व, मतलब नॉर्मली अगर इन्वेस्टमेंट में कोई लॉस होता है वो लॉस हम पीएनएल में लिखते हैं, बट इस केस में क्वेश्चन में कहा गया है कि इन्वेस्टमेंट के अंदर जो भी एडजस्टमेंट हो रहा है वो आपको जनरल रिजर्व में करना है, इसलिए हमने जनरल रिजर्व में लिखा है। चलिए बच्चा इसके साथ हमारा एडजस्टमेंट नंबर 7 पूरा हुआ, कमिंग टू एडजस्टमेंट नंबर 8, लोन ऑफ ₹600 वॉज गिवन टू एन एम्प्लॉय बट डेबिटेड टू सैलरी। ओके, हमने लोन दिया था और हमने गलती से उसको सैलरी में लिख दिया, मतलब भैया वो सैलरी नहीं है तो उसको सैलरी में से माइनस करना पड़ेगा। ढूंढते हैं भैया सैलरी कितनी है, सैलरी है 18,000, सो भैया वो सैलरी में से लेस करो। सो हम लिख देंगे हमारी सैलरी 18,000 है जिसमें से एक लोन था 600 रुपये का, तो वो माइनस कर देंगे, मतलब सच में सैलरी एक्सपेंस है सिर्फ 17,400 रुपये और बाकी वो लोन था, तो हम लिखेंगे लोन टू एन एम्प्लॉय हमारे लिए एसेट होता है, हमने एम्प्लॉय को लोन दिया हमारे लिए एसेट होगा। सो बैलेंस शीट में जगह ढूंढ रहा हूं मैं थोड़ी सी, यहाँ लिख दूंगा लोन टू एम्प्लॉय कितना है भैया, लोन मैंने थोड़ा नीचे लिखा है, बच्चा लोग आपको दिखेगा यहाँ लिख रहा हूँ, राइट, लोन टू एन एम्प्लॉय 700 रुपये दिख रहा है यहाँ पे सबको, यस 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 ये रहा ये रहा ये रहा, यस राइट। चलिए सो लोन टू एन एम्प्लॉय आ गया हमारा 600 रुपये। इसके साथ मेरा एडजस्टमेंट नंबर 8 भी कंप्लीट है, लास्ट एडजस्टमेंट हमें कहा गया है प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो इज 3:7, पीएनएल रेशियो हमें दे रखा है 3:7, मतलब जो भी आपका प्रॉफिट आने वाला है, जो भी आपका प्रॉफिट आएगा, डिविजिबल प्रॉफिट आएगा, उसको आपको 3:7 में डिवाइड करके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना रहेगा। इन शॉर्ट वो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, खाली पीएनएल का रेशियो आपको दिया है, क्योंकि अगर बाई चांस कुछ नहीं देते तो सर हम तो इक्वली बांट देते, बट इन लोगों ने हमें रेशियो दे के क्लैरिफाई कर दिया है। सो इसके साथ साथ सर मेरा पूरा का पूरा एडजस्टमेंट्स खत्म हुए हैं, मेरे सारे के सारे एडजस्टमेंट्स खत्म हुए हैं और मैंने पूरा का पूरा सम आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है। मैं थोड़ा सा यहाँ हो जाता हूँ, अगर आप में से किसी को इन एडजस्टमेंट्स का स्क्रीनशॉट लेना हो तो भैया ले लीजिए, बाकी क्वेश्चन बहुत ईजी है, बहुत लल्लू है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल है, ठीक है बच्चा? अब इसके बाद में एक बार ट्रायल बैलेंस में नजर घुमा लेते हैं, कोई हिडन एडजस्टमेंट है क्या भैया? तो ब्रैकेट मुझे दिख रही है स्टॉक, वो तो ओपनिंग स्टॉक है, देर इज नो हिडन एडजस्टमेंट, और कोई भी हिडन एडजस्टमेंट नहीं है, मतलब आपका सम ऑनेस्टली खत्म हो गया है। अब तो 11th वाला करना है भैया, उठा उठा के पटकना है, उठा उठा के पटकना है, आपका सम बहुत इजी है, बहुत सिंपल तरीके से हो जाएगा, ट्रस्ट मी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप आराम से वापस से वीडियो को रिवर्स करके, पॉज करके, आगे पीछे करके डाउट सॉल्व करते रहिए, फिर भी अगर डाउट हो तो मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि मैं एक लाइव सेशन जरूर लूंगा आफ्टर इस सारे चैप्टर के, मैं सारे सम खत्म करने के बाद में एक लाइव सेशन जरूर लूंगा जहां पे मैं आप सब लोगों के सारे डाउट्स ओपन सुनने वाला हूँ,
जो मनो भैया पूछो, अकाउंट्स में जो टॉपिक पे डाउट है वो टॉपिक पे पूछो, मैं आपको सारे के सारे डाउट्स आपके लाइव सेशन में 100% क्लियर करके दूंगा। बट उसके लिए आपको इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों तक फैलाना पड़ेगा, ठीक है बच्चा। तो ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 4। आई होप इलस्ट्रेशन नंबर 4 में आपको कोई तकलीफ नहीं है। सो अगर आप लोग मुझे परमिशन दे तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूंगा इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे। इलस्ट्रेशन नंबर 5 भी मैंने आपके लिए यहाँ पे रेडी करके रखा है, क्वेश्चन कॉपीड है, फॉर्मेट रेडी है, हमें खाली इलस्ट्रेशन को स्टार्ट करने के लिए आपका परमिशन चाहिए। तो क्या बोलती है पब्लिक, स्टार्ट करें? इलस्ट्रेशन नंबर 5 हम स्टार्ट करेंगे, राइट। जब भी क्वेश्चन कर रहे हो, अगर बाय चांस इस वीडियो से पढ़ रहे हो, अगर कोई सम कर रहे हो, आपको मजा आ रही है, तो भैया 100% नीचे लिखिए कि सर मैंने ये इलस्ट्रेशन पूरा किया, मुझे बहुत मजा आई है। तो सर मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, मुझे भी पता चलेगा कि मेरे बच्चे कहाँ कहाँ बैठ के कौन सी जगह से पढ़ रहे हो। और जरूर से अपने स्कूल का नाम बताइएगा कि मुझे पता चले कि आप कहाँ से कौन सी स्कूल से बिलोंग करते हो, कहाँ तक मेरे बच्चे पहुंच गए हैं, ठीक है बच्चा। तो चलिए ये था इलस्ट्रेशन नंबर 4। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5 के साथ में। इलस्ट्रेशन नंबर 5 में एडजस्टमेंट्स बहुत कम है तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, ऐसा मेरा प्रिजम्पशन है। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 5। चलिए बच्चा लोग स्टार्ट करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 5। अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो पूछते रहिएगा। ऑलवेज आई एम स्टार्टिंग विद इलस्ट्रेशन नंबर 5 एज ऑफ राइट नाउ। ओके, अब इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे जब मैं आऊंगा उसमें पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हमें कहा गया शिव एंड शंकर दो पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट और लॉस इक्वल रेशियो में दिया हुआ है, हमें पूरा का पूरा ट्रायल बैलेंस दिया है और हमें कुछ एडजस्टमेंट्स दिए हैं। मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन ईजी होगा, फिर भी करेंगे। मैंने कहा था मैं आपको सारे सम्स करवाऊंगा, इसके बाद में मैं एक्सरसाइज के 2-3 क्वेश्चंस के वीडियोस डालने वाला हूं, क्योंकि इलस्ट्रेशन तो करते रहेंगे बट एक बार मैं चाहूंगा जिस जिसके 1-5 इलस्ट्रेशन हो गए, जिन लोगों ने मेरे साथ साथ पढ़ाई की हो, अब एक बार के लिए एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। इसलिए मैं मोस्टली एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8-9 का नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको एक्सरसाइज सॉल्व करना भी सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे बच्चा, चालू करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5। इलस्ट्रेशन नंबर 5 में हमें कहा गया है द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज 40,000 बट द मार्केट वैल्यू ऑफ 20% इज 20% लेस देन द बुक वैल्यू। हो, मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से 20% कम है, और मैंने कहा था अगर कम होगी तो हम रिकॉर्ड करेंगे, ज्यादा होगी तो हमें मतलब होता नहीं है। तो चलिए भैया कम है मतलब हमारा वैल्यू है, बुक वैल्यू है कितना है 40,000, बट मार्केट वैल्यू है 20% कम, मतलब मार्केट वैल्यू है 32,000, तो हम मार्केट वैल्यू लिखेंगे। तो लिख देते हैं, सबसे पहला आ जाएगा मेरा यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक दैट इज 32,000, और इसका दूसरा इफेक्ट आता है बैलेंस शीट में, अगेन यहाँ आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक एंड दैट इज 32,000, ठीक है बच्चा। ओके, नेक्स्ट वन, पहला वाला बहुत ही सिंपल एडजस्टमेंट था। नेक्स्ट वन, गुड्स वॉज रिसीव्ड ऑफ ₹1,000 बट इनवॉइस इज नॉट रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। हमें गुड्स मिल गए बट हमने एंट्री परचेज बुक में नहीं की है। तो भैया परचेज बुक में एंट्री नहीं की है मतलब आप लोगों ने दो जगह एंट्री नहीं की होगी, एक तो आपने परचेजेस में एंट्री नहीं की होगी और दूसरा आपने क्रेडिटर्स में एंट्री नहीं की होगी। तो भैया हमें दोनों जगह एंट्री करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, सबसे पहले ढूंढते हैं परचेजेस कितने हैं। परचेजेस है 61,000 और हमारा अनरिकॉर्डेड परचेजेस है 1,000। चलिए सो मैं यहाँ लिख देता हूँ परचेजेस, यस परचेजेस है मेरा 61,000 और अनरिकॉर्डेड परचेजेस है मेरा 1,000। इसमें कुछ परचेज रिटर्न होगा इसलिए मैं एक बार इतना ही करके छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन ऑनेस्टली मैंने नहीं पढ़ा है पूरा ऊपर वाला। सो अगर परचेज रिटर्न होगा तो माइनस करके आपको बाहर लिखना पड़ेगा। दूसरा इफेक्ट हम देने वाले क्रेडिटर्स में, चलिए क्वेश्चन में ढूंढते हैं क्रेडिटर्स कितने हैं, क्रेडिटर्स कितने हैं। अच्छा, आपके पास डेटर्स क्रेडिटर्स की जगह इन लोगों ने दिया कस्टमर्स एंड ट्रेडर्स। सो कस्टमर्स मतलब डेटर्स होते हैं और ट्रेडर्स मतलब क्रेडिटर्स होते हैं, नाम चेंज मत करना, ट्रेडर्स है तो भैया ट्रेडर्स ही लिखो। तो चलिए हम लिखेंगे बैलेंस शीट में ट्रेडर्स, हमारे पास ट्रेडर्स कितने हैं बच्चा, हमारे पास ट्रेडर्स है 16,000 जिसमें 1,000 अनरिकॉर्डेड है। सो अनरिकॉर्डेड आ जाएगा 1,000, टोटल हमारे पास ट्रेडर्स हो गए हैं 17,000, ठीक है भैया। सो इसके साथ साथ एडजस्टमेंट नंबर 2 भी पूरा हुआ एंड आई एम वेरी वेरी श्योर कि आपको समझ में आया होगा क्योंकि बहुत इजी था। नेक्स्ट वन, 10% इंटरेस्ट इज पेबल ऑन कैपिटल एंड 5% इंटरेस्ट इज चार्जेबल ऑन ड्रॉइंग्स। हमें कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है 10%, ड्रॉइंग्स पे चार्ज करना है 5%। चलिए कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है 1,00,000 और 1,20,000, क्वेश्चन में करंट अकाउंट नहीं है तो हम लोग लिख देंगे कैपिटल का बैलेंस है हमारे पास 1,00,000 और कैपिटल का बैलेंस है हमारे पास 1,20,000। सेम वे हमें ड्रॉइंग्स दे रखा है, ड्रॉइंग्स हमें क्वेश्चन में दे रखा है 1,000। देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा, इन लोगों ने एक ही साथ में लिख दिया है कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स। सो ड्रॉइंग्स हमेशा डेबिट में आते हैं, कैपिटल हमेशा क्रेडिट में आते हैं, प्लीज मेक श्योर।
सो ड्राइंग्स दिया है 10,000 और 20,000। सो ड्राइंग्स में लिख दूंगा यहाँ पे 10,000 और यहाँ लिख दूंगा 20,000। ये हो जाएगी मेरी ड्राइंग्स और ये हो जाएगा बैलेंस बॉट डाउन। ओके, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बोला है भैया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें बोला गया है 10%। अगेन यहाँ पे ड्रॉइंग्स बोला गया 5% पर एनम वगैरह नहीं लिखा है, तो भैया पूरा 5% गिन लेना। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देने वाले हैं 10%, मतलब शिव को मिलेगा 10,000 और शंकर का है 1,10,000, तो 1,00,000 शंकर को मिलेगा 1,20,000, तो उसको मिलेगा 12,000। वैसे ही ड्रॉइंग्स, शिव की ड्रॉइंग से 10,000, तो 10,000 का 5% लगेगा, दैट इज 500 रुपए, और शंकर की ड्रॉइंग से 20,000, तो 20,000 का 5% लगेगा, दैट इज 1,000 रुपए। मैंने कहा था अगर पर एनम दिया हो तो आप एवरेज भी कर सकते हो, बट यहाँ पे नहीं दिया तो आपको टेंशन नहीं है। सो ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। दूसरा इफेक्ट याद होना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है, सो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में, अकाउंट में डेबिट होगा, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इनकम है तो वो क्रेडिट होगा। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आने वाला है आपका 10,000 और 12,000। सो ये आ गया 10,000, ये आ गया 12,000, टोटल आ जाएगा 22,000। वैसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आने वाला है 500 और 1,000, टोटल आ जाएगा 1,500। चलिए बच्चा, यहाँ तक किसी के मन में कोई दुख दर्द पीड़ा या समस्या हो तो जरूर से बताते रहिएगा, और प्लीज प्लीज सम करते करते ये भी जरूर बताएगा कि सर ये वाला एडजस्टमेंट अच्छा लगा था, इसमें बहुत मजा आई थी यार, कुछ भी करके नीचे अपने प्रेजेंस मुझे शो करो कि सर मैं पढ़ रहा हूँ, आप मेरे लिए मेहनत कीजिए, तो हमें भी पता चलता है कि भैया ये मेहनत किसी के काम आ रही है कि नहीं आ रही है, राइट। सो जरूर से बताते रहिएगा कि आप पढ़ रहे हो, राइट। चलिए, ये था मेरा एडजस्टमेंट नंबर 3, बहुत सिंपल था ऑनेस्टली, इसमें भी कुछ टफ नहीं था, बहुत ही मोनोटोनस एडजस्टमेंट हो गया, जैसे हम आज तक करते हैं वैसा ही है। फोर्थ पे आएंगे, प्रोवाइड बजट रिजर्व ऑफ ₹3,000 एंड कीप 10% डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स। मैं आगे वाले और देख लेता हूँ आगे कहीं पे। अच्छा, भैया देखो मैं हमेशा से आपको बोलता रहा हूँ ना कि आप कभी भी डेटर्स वाले टॉपिक को लास्ट में करो, क्योंकि सर वो देखो यहाँ काम आ गया, यहाँ काम आ गया, इसके नीचे वाले एडजस्टमेंट में सेल्स में कुछ गड़बड़ी है। सो एक बार के लिए डेटर्स वाला टॉपिक छोड़ दो। देखो मैं आपको इतने टाइम से बोलते आ रहा हूँ डेटर्स वाला टॉपिक हमेशा लास्ट में करने का, बजट रिजर्व लास्ट में करने का रीजन यही है। ये बहुत होशियार है यार, पहले एडजस्टमेंट देते हैं बजट रिजर्व बनाओ, फिर नीचे देते कि भैया सेल्स रिकॉर्ड नहीं हुई है या रिकॉर्ड होना बाकी है या गलत रिकॉर्ड हो गई है, तो उसके कारण हमारे को बैलेंस शीट में कैंसिलेशंस करने पड़ते हैं और काटाकुटी से नेगेटिव इंप्रेशन जाता है, इसलिए कभी नहीं करने का, ठीक है। तो चलिए बच्चा, पहले हम नीचे वाला एडजस्टमेंट करेंगे। मैं एक बार के लिए एडजस्टमेंट नंबर 4 छोड़ रहा हूँ, पहले मैं 5 कर रहा हूँ। शिव हैज विड्रॉन गुड्स ऑफ ₹1,000। शिव ने 1,000 रुपए के गुड्स विड्रॉ किए हैं। गुड्स विड्रॉ किए मतलब भैया ड्रॉइंग्स हो गया 1,000 रुपए का और परचेजेस में से लेस होगा 1,000 रुपए। एंड शंकर हैज विड्रॉन गुड्स और ₹2,000 फॉर पर्सनल यूज। शंकर ने विड्रॉ किए 2,000 के, सो वापस से ड्रॉइंग्स में जाएगा 2,000, बट फॉर पर्सनल रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक एज क्रेडिट सेल्स। अबे तेरी, ये क्या कर दिया आपने, आपने गलती से सेल्स बुक में क्रेडिट सेल रिकॉर्ड कर दिया जो सच में ड्रॉइंग्स था, तो भैया वो सेल्स में रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। तो ये 1,000 और 2,000 मतलब 3,000 आपने सेल्स में गलत रिकॉर्ड किया है, तो सेल्स में से माइनस करो और डेटर्स में से माइनस करो। चलिए करते हैं, पहले देखो क्वेश्चन में सेल्स कितना है। भैया क्वेश्चन में सेल्स है मेरा 80,000, सो मैं यहाँ लिखूंगा मेरा सेल्स है 80,000, जिसमें से रॉन्ग मैंने कर दिया है 3,000 का, वो मैंने लेस करके एक बार के लिए यहाँ पे छोड़ देता हूँ 77,000, मैं बाहर नहीं लिखता हूँ क्योंकि मेरे को पता नहीं शायद सेल्स रिटर्न हो सकता है। वही ये 3,000 हमने डेटर्स में भी गलत डाल दिए। भैया डेटर्स ढूंढो कहाँ है, डेटर्स को कस्टमर्स बोलते हैं ये लोग इस क्वेश्चन में, राइट। सो चलिए हमने ढूंढा कस्टमर्स, कस्टमर्स कितने हैं हमारे पास, कस्टमर्स है हमारे पास 20,000, जिसमें से 3,000 के कस्टमर गलत है, वो सच में ड्रॉइंग्स थी, तो अब हमारे पास कस्टमर बचे हैं 17,000, तो इसको मैंने रॉन्ग एंट्री को हटा दिया है, 3,000 को हटा दिया है, और अब हमारे पास कस्टमर्स बचे 17,000। बैड डेट वाला पूरा पॉइंट 17 पे होगा, बट अभी तक ये एडजस्टमेंट खत्म नहीं हुआ है, हमने अभी तक गलती सुधारी है। सही फैक्ट तो दो भैया, गलत किया था उसने सेल्स में डाल के, तो हमने सेल्स में से माइनस किया, डेटर्स में से माइनस किया, बट सही कहाँ जाना चाहिए, तो सही जाना चाहिए ड्रॉइंग्स मतलब कैपिटल अकाउंट में जाना चाहिए। कितना कितना गुड्स विड्रॉ किया है, 1,000 और 2,000, तो 1,000 आ जाएगा कैपिटल अकाउंट में शिव के, 2,000 आ जाएगा कैपिटल अकाउंट में शंकर के, सामने हम लिख देंगे परचेजेस या गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, कुछ भी लिखोगे चलेगा। और दूसरा इफेक्ट हमें देना पड़ेगा ट्रेडिंग अकाउंट में, हमें ट्रेडिंग अकाउंट में माइनस करना है परचेजेस में से, क्योंकि सच में वो ड्रॉइंग्स थी। सो चलो अच्छा हुआ, रिटर्न भी रिटर्न सोच के हमने छोड़ा था, बट यहाँ पे तो कुछ नया आ गया है। सो ये हो गया 62,000 था ये, इसमें से माइनस हो जाएगा ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स कितना माइनस हो रहा है 3,000,
मतलब अब हमारा बच रहा है 59,000। इसको मैं अभी बाहर नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मैं ऐसा मान रहा हूं कि शायद परचेज रिटर्न भी और हो, ठीक है, नहीं होगा तो बाहर लिख दूंगा बाद में। फाइन, सो 3,000 हमने माइनस कर दिया तो बचेगा 59,000। इसके साथ साथ ये एडजस्टमेंट थोड़ा अच्छा था, इस एडजस्टमेंट्स का मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था क्योंकि मैं हर एग्जाम्पल में आपको बोल रहा था बच्चा लोग बजट रिजर्व लास्ट में करो, लास्ट में करो, इस रीजन से मैं हमेशा लास्ट में बोलता हूँ, ठीक है। सो एडजस्टमेंट नंबर 5th मेरा पूरा हो गया। फाइन, एडजस्टमेंट नंबर 6 सच में कुछ नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेबल इवन इफ देर इज लॉस, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इन शॉर्ट हमें कुछ मतलब नहीं है उसका इंटरेस्ट, क्योंकि आपके गुजरात बोर्ड वाले बुक डिफरेंशिएट नहीं करती है, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज ए चार्ज जो मतलब कंपलसरी हो तो भी पीएनएल अप्रो में लिखती है और ऑप्शनल हो तो भी पीएनएल अप्रो में लिखती है, जो कि गलत है। आप आगे जब सीए वगैरह करोगे तो ये एंट्री थोड़ी बदल जाएगी, बट ठीक है, फिलहाल हम 12th के हिसाब से देखें तो आपको वही करना, आपके लिए 6 एडजस्टमेंट का कोई भी मतलब नहीं है। अब हमारा एक एडजस्टमेंट बचा है जो कि एडजस्टमेंट नंबर 4, हमें बनाना है बजट रिजर्व 3,000 का और डेटर्स पे 10% डिस्काउंट रिजर्व बनाना है। चलिए तो 3,000 का पहले मैं बनाऊंगा बैड डेट रिजर्व, 3,000 का रिजर्व बन गया, हमारे पास बचे हैं 14,000 जिसपे मुझे बनाना है डिस्काउंट रिजर्व 1,400 रुपए, और मेरा नेट अमाउंट बाहर आ जाएगा 12,600, आपको दिख रहा है राइट। तो चलिए, अब मैंने आपको कहा था जब भी बैड डेट का पॉइंट आएगा पीएनएल में जाके आपको लिखना होगा ओ नो, यस पीएनएल में हम जाके लिखने वाले हैं ओ नो। चलिए तो ये रहा मेरा पीएनएल अकाउंट, की बार पीएनएल अकाउंट खाली पड़ा है, कोई एडजस्टमेंट ही नहीं था। चलिए सो हम करेंगे यहाँ पे बैड डेट ओल्ड प्लस बैड डेट न्यू प्लस बैड डेट रिजर्व न्यू एंड माइनस बैड डेट रिजर्व ओल्ड। न्यू वाला बैड डेट रिजर्व कितना है भैया, न्यू वाला बैड डेट रिजर्व था 3,000। चलिए भैया न्यू वाला बैड डेट रिजर्व है 3,000, हमारे को बैड डेट दिया हुआ नहीं है, ट्रायल बैलेंस में चेक करते हैं कि हमारे पास ओल्ड बैड डेट है, ओल्ड बैड डेट नहीं दिख रहा है, लास्ट लाइन, लास्ट लाइन बैड डेट है हमारे पास 1,400 और बैड डेट रिजर्व है 6,000, तो लास्ट सम जैसा हो गया यार। बैड डेट है हमारे पास 1,400, बैड डेट रिजर्व हो गया 6,000। अब की बार फिर से हमारा आंसर माइनस में आ रहा है और मैंने कहा था माइनस में बाहर मेन कॉलम में लिखना अलाउड नहीं है, तो इसको कर देने का ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड और क्रेडिट साइड में लिख देने का 1,600। और कहाँ से आया भैया, ये आ गया सर बैड डेट रिजर्व का। सो आपको ये ध्यान रखना है बच्चा, आपको ये ध्यान रखना है, दिस इज समथिंग गुड, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू कीप दिस इन माइंड, दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट राइट। चलिए बच्चा लोग, सो इसके साथ साथ हमने बैड डेट वाला पॉइंट कर दिया, अब हमें पॉइंट करना है डिस्काउंट वाला, हमें अब की बार पॉइंट करना है डिस्काउंट वाला। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमें पता है कि भैया हमने डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स तो बनाया है, ठीक है, बट डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स बनाने से पहले हमें ये भी ध्यान रखना है कि क्या हमने कोई डिस्काउंट अलाउड किया है ट्रायल बैलेंस में, तो ढूंढते हैं भैया ट्रायल बैलेंस में डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट 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 मुझे तो नहीं दिख रहा है, शायद नहीं है डिस्काउंट अलाउड नहीं है, अगर हो तो ठीक है, नहीं हो तो क्या करने का, सीधा डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स 1,400 आपके लिए एक्सपेंस होगा, आप उसको सीधा एक्सपेंस में लिख देना। कभी कभार अगर मैं देख के गलती से भूल जाऊं कि मेरे को डिस्काउंट रिजर्व नहीं दिखा हो तो आप समझ लेना थोड़ा यार, ठीक है। सो इन शॉर्ट डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स 1,400 आपका एक्सपेंस हो गया और इसके साथ साथ आपका पूरा का पूरा सम खत्म हो गया है बच्चा, इसके साथ साथ हमारे सारे एडजस्टमेंट्स खत्म, हमने 10% डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स भी प्रोवाइड कर दिया और हम लोगों ने बैड डेट रिजर्व भी बना दिया और इसके साथ साथ हमारा पूरा का पूरा काम खत्म हो गया है, यस। चलिए बच्चा, सो बताइए यहां तक आप में से किसी को कोई तकलीफ लग रही है, कोई दुख दर्द पीड़ा लग रही है, हमने इलस्ट्रेशन नंबर 4 और 5 भी पूरा का पूरा कर दिया है, इलस्ट्रेशन नंबर 4 5 भी हमारा पूरा हो गया है, मेरे को मेरे लैपटॉप में बहुत अच्छे से दिख रहा है, तो मैं अभी भी चाहूंगा कि आप लोग भी प्लीज लैपटॉप में पढ़िए, ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा, या एटलीस्ट कोई पैड ले लीजिए, टैब ले लीजिए जिसमें ज्यादा कंफर्टेबली आप पढ़ सके, और आपको लग रहा है कि नहीं ये भी नहीं करना है तो टीवी में स्क्रीन शेयर करके पढ़िए, अकाउंट्स के कॉलम थोड़े अच्छे से बड़े बड़े दिखेंगे राइट बच्चा, सो आपको ज्यादा मजा आएगी। तो इसके साथ साथ हमारा आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं, हम लोगों ने इलस्ट्रेशन नंबर 4 और 5 किया, मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए एक्सरसाइज लेके आ रहा हूँ, मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाला हूँ, सो यस कम डू वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो जहां पे हम एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 8th और 9th को सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चा, वापस से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।